जी आके मल्होत्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि आज के कॉमर्स को हमें समझना चाहिए, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट है लेकिन वो ट्रेड और कॉमर्स के थ्रू आ रहा है कि कोई कंपनी है बाहर वाली, वो हमें एक इक्विपमेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी दे रही है। और तो बाहर का कॉमर्शियल सिस्टम क्या है कि हमारे पास स्पेशलाइजेशन है, जैसे थैलेस है वो कुछ बनाता है, वो DCNS के साथ जुड़ा हुआ है इस सबमरीन प्रोजेक्ट। इसी तरह एक कंपनी थी नवांशिया, वो इस DCNS के साथ जुड़ी हुई थी लेकिन उससे अब टूट गई। और ये ऐसा कई दफ़े होगा कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, उसको कोई टेक ओवर कर लेगा। तो जैसे नवांशिया अलग हुआ, उसके बाद हम जब नेक्स्ट बिड की हमने सबमरीन बनाने की, उससे बेहतर सबमरीन बनाने की, जिसको हम प्रोजेक्ट P-75I कहते हैं, वही कंपनी जो DCNS के साथ जुड़ी थी उसने अपनी अलग तरीके से एक बिड दी और कहा कि हम आपको S-800 जो स्पेनिश वैरायटी से बनाई हुई है वो देंगे। तो ये कहना कि बाहर वाली कंपनियों के बिल्कुल सिक्योरिटी सिस्टम्स वैलिड हैं और उधर से लीक नहीं हो सकती, ये गलत है। बिकॉज जैसे ही कंपनियां टूटेंगी तो ऑब्वियसली क्लाइंट के लिए वो भी उसी फील्ड में जाएंगे जिस फील्ड में ये पहले इनके साथ थे और कॉम्पिटिटर बनेंगे, तो उधर भी इतनी ही ससेप्टेबिलिटी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने स्ट्रक्चर को दुरुस्त करना है। हमारा स्ट्रक्चर ही गलत है, हमारा स्ट्रक्चर ही इतना बिखरा हुआ है। साइबर के बारे में ले लें, कौन आदमी जिम्मेवार है इधर साइबर का? RNFW के पास एक अपना साइबर सेल है, IB के पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास अपना एक साइबर वाला है, NTRO के पास अपना साइबर है। कहा गया है कि NTRO रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन DRDO के पास भी एक अलग साइबर सेल और आपस में कुछ बात नहीं कर रहे। तो बिखरी हुई कैपेबिलिटीज हैं हमारे पास। दूसरी चीज़, साइबर में हार्डवेयर का भी उतना ही हिस्सा है जितना सॉफ्टवेयर का, और हार्डवेयर हम कुछ नहीं बना रहे भारत में। एक चिप है उसके अंदर बैक ट्रैप्स हो सकते हैं, तो आप जितना मर्जी आप बड़ा सिस्टम क्रिएट कर दें लेकिन उस बैक ट्रैप के जरिए आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। ये आपने ईरान में होते हुए देखा, यहाँ इलेक्ट्रिक ग्रिड जब फेल हुआ तब देखा। तो कोई भी देश जो अपना बेसिक हार्डवेयर नहीं बनाता वो ससेप्टेबल है ऐसी चीज़ें होने के लिए। तो अगर हमने अपने आप को साइबर फील्ड में जाना है तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके लिए सब जितनी बिखरी हुई हमारी कैपेबिलिटी है सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसका एक हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज उधर ज़्यादा हमें सेंसिटिव है उसके बारे। आपको जानकर एक चीज का आश्चर्य होगा कि आज से 3.5 साल पहले भारत सरकार की, जो उस समय जब पिछली सरकार थी, एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी, चूंकि यह सरकार आज बदल गई है पर पॉलिसी तो आज भी है, उसमें कहा गया था कि अगले 3 साल में भारत को 5.5 लाख साइबर प्रोफेशनल्स और हैकर की जरूरत होगी अपने देश की साइबर सुरक्षा का पूरा जिम्मा लेने के लिए। आज 3.5 साल बीत चुके हैं, मैं आज 50 लोग भी हम पैदा नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं हम साइबर कमांड बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं या साइबर एजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, मल्टीपल एजेंसीज है, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, मगर कितनी भी एजेंसीज हो, एक हो या मल्टीपल हो, लोगों की तो जरूरत तो होगी। अगर आप लोगों को तैयार नहीं करेंगे तो हम एक बेबस राष्ट्र की तरह अपनी बर्बादी का आलम यहाँ पे देखते रहेंगे और बाकी देशों पर हमें दूसरे देशों पर, और चीन और पाकिस्तान कम से कम मेहनत कर रहे हैं और हमें उनसे ज्यादा, अगर हमारी अगर इतनी हमें तकलीफ है तो हमें मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। हम इस अपने सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे मजबूत करें, यही जितेन जी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर की भी बात उठ रही है, अकाउंटेबिलिटी की भी बात उठ रही है, लेकिन सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी बात में है, लेकिन सबसे पहले सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए? आई थिंक अगर आप देखेंगे देयर आर थ्री फैक्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। एक तो पॉलिटिकल विल है, दूसरा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, तीसरा है स्किल्ड मैनपावर। आज स्किल्ड मैनपावर भारत में पिछले 7 से 8 साल के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत छोटे रूप में, बिखरे हुए रूप में रही है। उसको एक सूत्र में बिरोने की जो जिम्मेदारी थी, ताकि उसको प्राइवेट कंपनियों की तरफ ना जाए, अमेरिका की तरफ ना जाए, ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी की थी। वो दोनों के दोनों पिछले 7-8 साल से तमाशा देखते रहे, पर कम से कम पिछले 1-1.5 साल के अंदर यह कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत के अंदर छोटी मोटी जो भी जितनी भी स्किल्ड मैनपावर अवेलेबल है उनको कहीं ना कहीं राष्ट्र के एक सूत्र के अंदर पिरो दिया जाए। मगर आप देखेंगे जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक सोच है, शायद कहीं ना कहीं एक संवाद कायम नहीं हो पाया है स्किल मैनपावर के साथ कि उनकी जरूरतों को वो समझ रखे, और शायद जो हमारे राष्ट्र के अंदर जो छोटे आज हैकर्स हैं या जो भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, शिल्पा जी, वो एक संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को समझा नहीं पा रहे, ताकि एक सब मिलकर एक साथ लोग काम कर सकें। इसके लिए एक बहुत बड़ा सुझाव यह है कि शायद जैसे PM कई जगह ओपन हाउस कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स को जिनको साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है उन्हें आम जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ एक ओपन हाउस कर लेना चाहिए कि आप हमें समस्याएं बताएं क्या है और हम मिलकर कैसे काम कर सकते हैं।
ताकि देखिए समस्याएं बहुत है, ब्लेम गेम चलता रहेगा, मगर कहीं ना कहीं हमें साथ में बैठकर मिलकर काम करना होगा राष्ट्रहित के। शिल्पा जी जी चलिए हम रुक करेंगे, लेकिन इससे पहले और साइबर एक्सपर्ट्स की क्या प्रतिक्रिया है, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर क्या कहना है ये सुनिए। रिगार्डिंग दिस देयर शुड बी ए डिटेल इंक्वायरी एंड गवर्नमेंट शुड कम आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन बिकॉज दिस इज दिस कंसर्न टू द कंट्रीज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नाउडेज देयर इज वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन दैट इज एक्चुअली क्लासिफाइड। अब तक ऐसे समझ में आया है कि कोई फ्रेंच जो उनके यहाँ काम करता था, जो सब कॉन्ट्रैक्टर था, उसके कंप्यूटर में ये डेटा रहा था या उसने उस कंप्यूटर में से डेटा लेके, अभी उस कंपनी से जुड़ा नहीं है वो, तो ये ज्यादा साउथ एशियन कंट्रीज में अलग अलग जगह पे ये पहले डेटा गया है, लोगों ने उसको खरीदा है और फिर जाके ये लास्ट ऑस्ट्रेलियन न्यूज एजेंसी के पास पहुंचा है। मतलब इसका जो एक्सप्लॉयटेशन जो होना था इस डेटा का, या जिसको कोई लाभ इस डेटा से होना था, वो ऑलरेडी हो चुका है। अभी हमको यही देखना है कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस में हमको कितना नुकसान पहुंचाया है। लेफ्टिनेंट जनरल राज का ध्यान, ये बताइए सर कि अब जो डेटा लीक होना था, जो अहम जानकारियां थी, वो तो लीक हो चुकी हैं, अब उनका इस्तेमाल भी आगे किया जा सकता है, इस बारे में अभी तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, तो इसके इसको ओवरकम, इस सिचुएशन को कैसे किया जाए? मैंने पहले भी यही कहा है कि इसका इस्तेमाल जरूर होगा। हमारे जो राइवल है चाइना पाकिस्तान, अगर उनके पास हमारे सीक्रेट वेपन्स की सूचना मिली है तो उसका काउंटर मेजर वो ढूंढेंगे, उसकी इफेक्टिवनेस को कम करेंगे। इसमें अभी भी हमारे पास, अभी तो हमने एक ही सबमरीन ऑपरेशनल कर रहे हैं दिसंबर तक, दूसरी अभी बन रही है, चार और बनानी है, तो जो जो सिस्टम जो लीक हुए हैं अगर हम उसको बदली कर सकते हैं, वो मैं, मेरे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो तो टेक्निकल आदमी बताएंगे, लेकिन उसको किया जाए ताकि हम डैमेज को मिनिमाइज कर सके। डैमेज तो हुआ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी उसको मिनिमाइज करना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी आप जरूर करें ताकि ऐसी लीक दोबारा ना हो, वो भी जरूरी है, दुनिया को भरोसा हो कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ सुरक्षित रहेगी, वो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ ये जरूरी है कि इस डैमेज को मिनिमाइज कैसे किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, कौन से ऐसे सिस्टम है जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अभी भी हो सकता है, मुमकिन हो सकता है ये, और ताकि इस डैमेज को कम से कम किया जा सके। जीडी बच्ची जी क्या कहेंगे, क्या डैमेज कंट्रोल करना है, डैमेज को मिनिमाइज करना है, इतना वाकई आसान होगा? देखिए डैमेज कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा विकल्प है कि आप डील कैंसिल करें, 15-20 साल लगाए नेगोशिएट करते फिर तीसरी सबमरीन लें। जब भी ऐसे पहले हुआ है, और मैंने आपको एक वारदात बताई थी कि जो SAM-2, SAM-3 सरफेस टू एयर मिसाइल से इसराइल ने कैप्चर करके उनकी सारी फ्रीक्वेंसीज, वर्किंग फ्रीक्वेंसीज कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी, तो फिर इनको रेट्रोफिट करना होता है, रेट्रोफिट टू सी डैमेज कंट्रोल करने के लिए कि जो कॉम्प्रोमाइज हो गया उसको आप बदली करें, चेंज करें, उसको बदलाव लाएं, उसके अंदर अपनी इनोवेशंस लाएं, एंड आई एम श्योर इट इज पॉसिबल, इट विल हैव टू बी डन। और साथ साथ आई एम बिल्कुल मैं सहमत हूं कि लेट्स ट्रेस द लीक किधर से हुआ ताकि दोबारा नहीं हो, इट हैज टू बी प्लग्ड। अगर हमारा है तो बहुत शर्म की बात है और बहुत ही अलार्म की बात है, लेकिन अगर फ्रांस से हुआ है तो देन वी हैव टू लिव विद इट एंड मेक श्योर हम कुछ पिनल क्लॉजेस लगाएं फ्रांस के ऊपर इसके लिए। शिल्पा जी 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 बोलिए अजय जी। शिल्पा जी पहले तो सबसे इस चर्चा से एक विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय निकलता यह है कि हम लोग को साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, और साइबर सिक्योरिटी के जब तक सरकार की तरफ से एक व्हाइट पेपर नहीं रखा जाता है सदन के पटल में, और उस व्हाइट पेपर में बहुत सारे बातें होगी कि किस संस्थान के अधीनस्थ जो है पूरे साइबर सिक्योरिटी के आने की आवश्यकता है, इसका प्रारूप क्या होगा, और जैसे एक वक्ता ने कहा था कि 5 लाख हैकर की आवश्यकता है, तो ये स्किल इंडिया में जो है बाकी स्किल को छोड़ करके पहले तो हम लोग को जो है 5 लाख हैकर की जो स्किल इंडिया में उसको शामिल करने से क्या होगा, देश का सुरक्षा के लिए भी फायदा होगी, और
लड़के लोग और लड़कियों को जो है नौकरी भी मिल जाएगी। तो अजय भाई इस बात को आप संसद में उठाइए। अजय भाई बिल्कुल सही बात है, हम आपसे सहमत है और मैं उम्मीद करूंगा आप इस बात को आपकी पार्टी संसद के अंदर उठाएगी। कॉन्फ्रेंसेस हुई है, कोऑर्डिनेशन मैंने खुद भी अटेंड करी है, लेकिन ऑन ग्राउंड चीजें नहीं हिली ना। हमारा ये कहना है कि साइबर सिक्योरिटी करना होगा। जितेन एक साइबर सिक्योरिटी जनरल बख्शी साइबर शिल्पा जी 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 बताइए, साइबर सिक्योरिटी जैसे संगीन मामला को हम लोग को पूरा देश सब लोग एक साथ है और जब तक इसको जो है ना गंभीरता से नहीं लेंगे हर वक्त जो है हमारे देश में इस तरह की चुनौतियां आगे आती रहेगी और हम लोग जो है घबराते हम लोग जो मुसीबत में हर वक्त फंसते रहेंगे। इसमें 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 ये बहुत जरूरी है कि हम सारे राजनीतिक दल एक होकर जो भी एक हमारी आज देश की रिक्वायरमेंट है साइबर सिक्योरिटी को लेके एक जो पॉलिसी है शायद हम उसे रिव्यू कर ले। अगर रिव्यू के बाद अगर किसी तरह के चेंज की जरूरत है, देखिए कम से कम बहुत सारी बातें हो सकती है, इंडिजीनियस हार्डवेयर की बात है, सॉफ्टवेयर की बात है, स्किल्ड मैन पावर की बात है, पर मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा फोकस हमारा इस समय है वो क्रिएशन ऑफ स्किल्ड मैन पावर की बात है जिसके ऊपर हम बहुत पीछे रह गए हैं। और जब मुकाबला पाकिस्तान और चीन से एक साथ है जहां एक तरफ हजारों की भीड़ और दूसरी तरफ करना चाह रही थी कि भारत पर हैकिंग का खतरा किस तरीके से, हालांकि ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार हम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि 2012 में भारत में 371 सरकारी वेबसाइट्स जो हैं हैक की गई थी, 2013 में 189 सरकारी वेबसाइट्स को हैक किया गया था, 2015 में 164 सरकारी वेबसाइट्स हैक की गई। अब ये जो डेटा है नहीं, इसके बाद कार्यवाही क्या हुई जी? वही सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई जिम्मेदार था तो क्या उसके ऊपर भी कार्यवाही हुई? कोई एफआईआर भी नहीं है। और इतना आसान क्यों है ये जो डेटा हम दिखा रहे हैं, साल दर साल बढ़ता जा रहा है, सालों की दुर्दशा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज अगर हम सारा का सारा जो साइबर समुदाय है एक तरह से अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कई ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है साइबर सुरक्षा के अंदाज में, उन्होंने बहुत समर्थन भी किया है, कई नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। मैं और जैसे जीडी बख्शी साहब कह रहे थे कई कॉन्फ्रेंस हो रही है जिनके ऊपर खुला संवाद कायम हो रहा है, ऐसा नहीं है भारत के अंदर एक किसी स्किल मैन पावर की कमी है, पर हम बिखरे हुए हैं, उसे एक सूत्र में पिरोकर अगर विश्वास के साथ काम किया जाए। और आज हमारी इतनी बेबसी है, हम आज एक फॉरेन कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, मगर एक इंडियन स्टार्टअप के ऊपर अगर भरोसा करने की बात आती है तो रिश्वतखोरी और बेबसी के दौर के अंदर हम उसको साइड नकार देते हैं और लगता है कि अगर हजारों करोड़ की एक बड़ी फॉरेन कंपनी अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर दोगी तो उसके अंदर कोई बैकडोर या कोई बग उसके अंदर नहीं होगा और उसके ऊपर हम अंधा भरोसा करने को तैयार हैं। और आज जब ये परिणाम हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर यहां पे एक छोटी इंडियन स्टार्टअप अगर इस तरह के वाकये में अगर काम कर रही होती तो अभी तक उसे गला घोट दिया जाता, क्योंकि आज तक बड़ी फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व है, सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने का भी काम जी होगा। जी चलिए राज कादियान जी आप इस पर क्या कहेंगे, जो आंकड़ा अभी हमने बताया 2012 से 2015 तक उसमें सवाल यही उठ रहा है कि अगर इतनी वेबसाइट्स सरकारी वेबसाइट सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैक हुए हैं तो अभी तक ये देखिए कि कार्रवाई क्या की गई है उनके लिए। देखिए साइबर सिक्योरिटी तो आपके एक्सपर्ट ने बता दिया है, वो जानते हैं इसके बारे में कि जहां भी प्लग ये लीक हुई है उसको प्लग करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो आपको करनी चाहिए। वो उन्होंने सही कहा कि हमारी अभी तक साइकोलॉजी ऐसी रही है कि हम फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनियां आती हैं उन पर अंधाधुंध विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने स्टार्टअप को हम शक की नजर से देखते हैं। ये मेंटल जो हमारी मेकअप है इसको बदलने में शायद समय लगे, लेकिन ये बदलेगा। ये तो चीन और पाकिस्तान को जो कई साल लग जाते हैं खबर हासिल करने में, जो उनको बहुत खर्चा करना पड़ता है, उनको एक प्लेटर पे इंफॉर्मेशन मिल गई। मेजर सिस्टम आप शायद चेंज नहीं कर सकते, ये डीजल ऑपरेटेड कन्वेंशन सबमरीन है जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, आप इंजन नहीं बदल सकोगे, उसकी शायद स्पीड नहीं बदल सकोगे, डेप्थ नहीं, लेकिन साउंड सिस्टम अगर आप बदल सकते हो, कम्युनिकेशन सिस्टम बदल सकते हो, सर्वेलेंस सिस्टम बदल सकते हो, टॉरपीडो का लॉन्च सिस्टम बदल सकते हो, वो जरूर बदले ताकि हम इस जो भी नुकसान हुआ है इसको कम से कम करें। लेकिन ये सबमरीन हमको लेनी चाहिए, कैंसिलेशन का अभी कोई ऑप्शन नहीं है। जी आर के मल्होत्रा जी क्लोजिंग कमेंट। मैं सिर्फ शिल्पा जी कहना चाहता हूँ कि किसी भी शिल्पा जी किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको नीति बनानी पड़ेगी। अजय जी आ रहे हैं आपके पास भी। पहले नीति, फिर कूटनीति और उसके बाद कार्यक्रम। हमारी प्रॉब्लम यह है कि साइबर पॉलिसी जो हमने बनाई वो भी इतनी ज़्यादा लूज है, उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। तो अगर साइबर पॉलिसी ऐसी होगी तो ऑब्वियसली साइबर स्ट्रैटेजी कोई उससे ज़्यादा बन ही नहीं सकती अच्छी, और उसके साथ प्लान्ड एक्टिविटी जिसकी बारे में बात हो रही है, साइबर पॉलिसी और प्लान्ड एक्टिविटी होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और जाहिर है इस पूरे मसले की एक ट्रांसपेरेंट जांच जरूर होनी चाहिए। अजय कुमार जी आप इस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे।
लास्ट हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि एक तो ढांचे में क्या बदलाव की आवश्यकता है, हमारे जो देश के जो खुफिया तंत्र है उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, पार्लियामेंट संसद की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं है। तो जब तक खुफिया एजेंसी भी संस्थानों को भी संसद के जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जवाब देने के लिए अगर उन लोग को उपस्थित ना किया जाए, तब तक इस तरह के जो है हम लोग को जो खुफिया तंत्र के क्या क्या जिम्मेवारी है उनकी क्या जवाबदेही है, और बिना इनके ऊपर किसी तरह का जवाबदेही जो है फिक्स नहीं हुई है। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि इस चर्चा में कम से कम ये तो देश के लिए कि जितने भी खुफिया एजेंसीज हैं वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उनकी काम जो उनकी जो 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 देश के जो सुरक्षा यही आपसे भी कहा गया था कि इस मुद्दे को जरूर संसद में उठाना चाहिए। बहरहाल जो भी जानकारियां लीक हुई है काफी अहम थी हमारे देश की सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ी हुई। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, और जो भी जानकारियां लीक हुई है चिंता की बात जरूर है, लेकिन अब देखना यह है कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम को साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत करते हैं, और जो जानकारियां लीक हुई हैं वो हमें जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं किसी तरीके से उसका फायदा ना उठाएं, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।